नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 में और मैं हूं आपके साथ रिशु चौधरी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। टीएमसी ने सीबीआई और एनएसजी की चुनाव आयोग से की शिकायत, कहा इलेक्शन के दिन की गई छापेमारी। कांग्रेस की केंद्रीय मीटिंग में बुलाए गए यूपी के पदाधिकारी, अमेठी और रायबरेली की सीट पर हो सकता है फैसला। नैनीताल के जंगलों में लगी आग को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई बैठक। आज गुजरात में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बाहुबली धनंजय सिंह की बदली गई जेल, जौनपुर से भेजा गया बरेली सेंट्रल जेल। मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, अमेठी के चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल दे रहा है चीन, एंटनी ब्लिंकन का बड़ा दावा। नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग, धुएं से लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। मणिपुर के कुकी उग्रवादियों के हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान हुए शहीद। ममता बनर्जी आज आसनसोल और कुल्टी में 2 चुनावी रैलियों को करेंगी संबोधित। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24।